हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्पाइका फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपको चार बेसिक या फिर सिंपल टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप स्टार्टिंग से शुरुआत से अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको आपकी फिटनेस जर्नी जो है ये आसान हो जाएगी और आपका जो फिटनेस गोल है या फिर आप जो फैट लॉस अचीव करना चाहते हैं वो आप कंपेरेटिवली इजीली अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर एग्जैक्टली दोस फोर टिप्स, लेट्स सी। So moving towards the tips, the first tip is कि engage your body in some activity। मतलब अगर आप अच्छा diet follow कर रहे हो लेकिन आप कोई activity नहीं कर रहे हो, then engage your body in some activity। आपके body को कुछ तो challenge दीजिए, मतलब आप gyming कीजिए, swimming कीजिए, cycling कीजिए या फिर कुछ sport के लिए, इस तरह अपने body को कुछ activity में involve कीजिए, आपके body को कुछ challenge दीजिए, ताकि आप अगर अपने body को continuously challenge करते रहोगे तो आपकी body जो है ये हमेशा fat burning zone में रहेगी और आपका fitness goal जो है ये easily achieve करोगे। Moving towards the second tip, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, इवन आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, then start doing weight training। Especially the females, those who are watching this video, हर एक फीमेल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा डाइट रूटीन फॉलो कर रहे हो एंड आप कार्डियो कर रहे हो तो आप वेट ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कीजिए। Hit those weights in the gym। आप वेट ट्रेनिंग करने से आपके मेंस जैसे मसल्स नहीं बिल्ट अप होंगे। इवन द मेंस, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं देखता हूँ कि जनरली लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि मुझे खाली पतला होना है तो मैं कार्डियो करूंगा, मैं बहुत भागूंगा और मैं अपना वेट लॉस करूंगा। सी फ्रेंड्स, इसके वजह से क्या होता है कि आप फैट लॉस तो करते हो लेकिन आप फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी करते हो एंड अगेन आपका BMR जो है ये लो करते हो। आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा, आपका BMR बढ़ेगा एंड आप जब रेस्टिंग फेज में होंगे, मतलब आप जब टीवी देख रहे होंगे, इवन सो रहे होंगे, तभी भी आपकी बॉडी जो है ये फैट या फिर कैलोरीज बर्न करती रहेगी। सो हिट दोज वेट्स इन द जिम, वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए। एंड ईच एंड एवरी फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी वीक में 3-4 टाइम वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए, ताकि आपके भी मसल्स बढ़ेंगे लेकिन आपके मेंस जैसे मसल नहीं बढ़ेंगे। आपका मसल मास जो है वो बढ़ेगा लेकिन उसके वजह से आपकी जो बॉडी है ये टोन्ड होगी एंड यू विल लुक हेल्दियर। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टिप, हमेशा एक ही पैटर्न के एक्सरसाइजेस जिम में मत कीजिए। मतलब आप अगर एक वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यू वही वर्कआउट रूटीन मत फॉलो कीजिए, सी आपकी बॉडी जो है वो उस वर्कआउट रूटीन को अडेप्ट हो जाएगी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, वर्कआउट रूटीन चेंज करना मतलब एक्सरसाइजेस चेंज करने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप ब्रेकियली सिट कर रहे हो तो आप प्रीचर कर्ल्स कर रहे हो लेकिन आप फिर चेंज करके उसे कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स हिट करना स्टार्ट कर देते हो। सी एक ही एक्सरसाइज है, एक ही जॉइंट एक्शन है, सब कुछ एक ही हो रहा है। सो ऐसे नहीं कि आपने रूटीन चेंज किया या फिर आपने अपने बॉडी को कुछ चैलेंज दिया। सी दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली चेंजिंग द रूटीन मींस। चेंजिंग द रूटीन मतलब आप एक वीक में 10 रेप मैक्स की वर्कआउट कीजिए, आप नेक्स्ट वीक वही एक्सरसाइज कीजिए लेकिन आप 4-6 रेप मैक्स तक अपने आप को चैलेंज कीजिए। एंड जो रेगुलर जिम गोअर्स है, मैं कहूंगा कि मंथ में एक बार आप जो भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस है जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, उन्हें चैलेंज योर बॉडी अप टू 1 रेप मैक्स। मतलब आप उतना वेट लीजिए खाली आप उसका एक ही रेप कर सकोगे, ऐसे खाली आप मंथ में एक ही बार कीजिए। ऐसे आप अपने रूटीन जो है ये पीरियडाइज कीजिए एंड शेड्यूलिंग कीजिए। इसके वजह से आपका पाउंडेज भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी जो है ये कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग मोड पे रहेगी, आपकी बॉडी जो है ये वर्कआउट को अडेप्ट भी नहीं होगी एंड आपको जो है ये फैट लॉस का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आपके फिटनेस गोल्स भी अचीव होंगे। एंड मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ टिप, आप सेम टाइप का न्यूट्रिशन या फिर सेम टाइप का कैलोरी इनटेक डेली मत रखिए। सी आप अपने कैलोरीज के साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा खेलिए, प्ले विथ योर कैलोरी। सी मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ, प्रोटीन एंड फैट्स का रेशियो आप उतना ही रखिए, प्रोटीन एंड फैट्स में आप कुछ मत कीजिए। जो आपका कार्ब्स का रेशियो है अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी, आप अपने कार्ब जो है ये अप कीजिए, कभी डाउन कीजिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक दिन अगर आपका लेग डे है, मतलब आप लेग्स की एक्सरसाइज करने वाले हो तो उस दिन आप कार्बोहाइड्रेट्स अप कीजिए, लेकिन ऐसा एक दिन है कि अगर आप खाली कार्डियो करने वाले हो या आप खाली आर्म्स की एक्सरसाइजेस करने वाले हो सो उस दिन आपको उतनी एनर्जी नहीं लगने वाली जितनी एनर्जी आपको लेग डे के दिन लगने वाली है। तो आर्म्स डे के दिन आप जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कंपेयर टू लेग डे कम लीजिए। एंड अगर आप रेस्ट डे पे हो मतलब आप जिम में नहीं जाने वाले तो आप जो है ये कार्ब्स लो कर दीजिए। इस तरह आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ खेलिए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रोज मत लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो है ये अप एंड डाउन कीजिए।
आई गारंटी यू कि आपको इसके वजह से अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दीज आर द 4 टिप्स। आई गारंटी यू कि अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी फिटनेस जर्नी जो है ये आसान हो जाएगी एंड आपको रिजल्ट जो है ये अच्छे खासे रेट में मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन वन नाइट। मतलब एक रात में आपका फैट बर्न नहीं होने वाला या फिर एक महीने में आप एथलीट नहीं बनने वाले। सी, आपका जो फैट एक्यूमुलेट हुआ होता है ये कई महीनों में या कई सालों में आपका फैट जो है वो एक्यूमुलेट हुआ होता है। सो उसे भी रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। बी पेशेंट एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट ऑन योर फिटनेस जर्नी। एंड मैंने अभी जो आपको टिप्स बताई ये टिप्स आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट्स माय गारंटी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा देन जरूर लाइक कीजिए। कुछ क्वेरीज होंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट।